नमस्कार, मी ऋतुजा, न्यूज 24 सह्याद्री मध्ये आपलं स्वागत। आताच्या घडीची महत्त्वाची बातमी आहे। संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या चालू आहे। या अधिवेशनात नगरचे खासदार डॉक्टर सुजय विखे यांनी आज संसद गाजवली आहे। त्यांनी संसदेत आज 15 मिनिटात अत्यंत अभ्यासू मुद्दे मांडलेत आणि महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडीवर अप्रत्यक्ष टीकास्त्र सोडलंय। पाहुयात काय म्हणाले आहेत खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील। धन्यवाद सभापती महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, जैसे किसी भी संविधान को समझने के लिए प्रियम्बल समझना ज़रूरी है, उसी तरीके से किसी भी सरकार की नीति या नियत समझने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में अधोरेखित किया हुआ सरकार के द्वारा किया हुआ विकास समझना ज़रूरी है। हमारे देश के प्रांत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और इनकी जो विकास की गति है, अगर इसको बयां किया जाए तो वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, और अगर हर किसी को एक पूरा दिन दिया जाए तो भी हम उनकी विकास गाथा को बयां नहीं कर पाएंगे। और आपको जैसे 15 मिनट दिए हुए, तो कोशिश करूंगा 15 मिनट में उस विकास गाथा को बयां करने का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास हो रहा है, जो उनकी गति है, उस पर मैं एक शेर जरूर अर्ज करना चाहूंगा शुरुआत में कि जिस दिन से चल रहा हूं मेरी मंजिल पे नजर है, कि जिस दिन पे चल रहा हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस तरीके से जो हमारा काम पिछले 7 साल में NDA 1 NDA 2 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं और खास करके हमारे महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण हैं, सांसद हैं, या तो वो उनको वो विकास दिख नहीं रहा है, या वो विकास देखना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उनके अंदर की मन की बात बाहर नहीं निकल पा रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हर महीने मन की बात करते हैं, मैं उनसे विनती करूंगा विपक्ष के नेताओं को कि वो भी आपकी मन की बात बाहर निकाले। और वो कैसे बाहर निकलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रस्ते विकास मंत्री नितिन जी गडकरी ने महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में विविध प्रकल्पों का भूमि पूजन किया और उद्घाटन किया। आप इस 1 साल के भूमि पूजन और उद्घाटन का कोई भी वीडियो अगर निकालेंगे सभापति महोदय, तो उसकी पहली रो में जो चेयर्स पे विराजमान है वो सारे हमारे महाविकास आघाड़ी के मंत्रीगण और महाविकास आघाड़ी के सांसद सदस्य आपको देखते हुए मिलेंगे। तो एक जगह पे आप उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास और उनके निधि के द्वारा रस्तों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस सदन में एक भी सांसद ने उनके विकास के बारे में बोला नहीं। इतना ही नहीं, 50% सेंट्रल रिजर्व फंड CRF फंड माननीय गडकरी जी के माध्यम से महाविकास आघाड़ी को दिया गया और उनके विधायक आज अपने अपने विधानसभाओं में उनका नारियल फोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री का जिक्र भी नहीं करते। इससे ये बात जाहिर होती है जो एक कहावत थी कि सेवा करे कोई मेवा खाए कोई। और इसी के दौरान मेरे लोकसभा में आदरणीय गडकरी जी ने 10,000 किलोमीटर के रस्तों के लिए निधि दिया और मेरे अहमदनगर लोकसभा का जो विकास जो पिछड़ा हुआ था उस तरीके में वहां पे इतना बड़ा निधि देके हम विकास को गति देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो विकास में शामिल महाविकास आघाड़ी के नेता थे उनकी जिम्मेदारी नहीं कि आप टिप्पणी कीजिए, विपक्ष में आपको टिप्पणी करना जरूरी है, सरकार को सही दिशा दिखाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ टिका कीजिए और उनके विकास में शामिल होकर उसकी आप तारीफ ना कीजिए, ये दोगलापन है, ये मैं बड़े नम्रता से कहना चाहता हूं। मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा फैसला पिछले 1 साल में किया गया वो है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री सेंटर में खोली गई, सहकारिता मंत्रालय खोला गया जो आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, और उसके जिम्मेदारी एकदम सही आदमी हमारे गृह मंत्री जी अमित भाई शाह को दी गई। UPA 1 और UPA 2 ने क्या किया, कल उनके नेता बोल रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है, तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर एम्पावरमेंट, ये चालू ही कोऑपरेटिव से हुआ है।
और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कैलाशवासी पद्मश्री विट्ठल राव विखे पाटिल जी ने एशिया की पहली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खोली और कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया, तो ये स्टार्टअप इंडिया उनको दिख नहीं पाया क्योंकि यूपीए एक और यूपीए दो के सरकार ने महाराष्ट्र में हर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को किसानों की एफआरपी देने के लिए सिर्फ शुगर फैक्ट्रीज को कर्जा लेने पे मजबूर किया कि आप कर्जा लीजिए एफआरपी दीजिए, कर्जा लीजिए एफआरपी दीजिए। और इसके माध्यम से 10 सालों का इनका कार्यकाल में इन्होंने सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में स्थित थी उनको बंद की और आज महाविकास आघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर्स ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे हैं। ये इनका सेक्युलरिज्म। तीन है और तीनों कोऑपरेटिव हैं, तीनों कोऑपरेटिव हैं दादा, तीनों कोऑपरेटिव हैं, प्राइवेट नहीं है। उसमें मैं आता हूं, हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने शुगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज की। एक्सपोर्ट सब्सिडी 2020-21 में 3,580 करोड़ का एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया। एमएसपी को फिक्स किया, 3100 रुपए में एमएसपी को फिक्स किया गया। शुगर सेल में कोटा सिस्टम बनाया गया जिससे शुगर प्राइस स्टेबलाइज हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व प्रोग्राम, ये देश में पहली बार हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एनहांसमेंट में जो स्पिरिट तैयार हुआ, जो इथेनॉल तैयार हुआ उसके लिए अलग रेट तैयार किया, सी हेवी के लिए अलग, बी हेवी मोलासेस के लिए अलग, सिरप के लिए अलग। इतना ही नहीं लेकिन इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए पिछले 6 महीने में 12,900 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया और 2,790 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सभापति महोदय, इन सब का लाभ, एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ, इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लाभ महाविकास आघाड़ी के हर मंत्री ने जिसकी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर फैक्ट्री से उन्होंने लिया, उन्होंने उसके मदद से किसानों को एफआरपी दी, लेकिन कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम, कभी भी उनकी तारीफ या उनकी योजनाओं की तारीफ नहीं की, इस बात का हमें खेद। इतना ही नहीं 1985 से एक केस सारी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री में पेंडिंग था कि जिन जिन शुगर फैक्ट्रीज ने एफआरपी के ऊपर किसानों को रकम अदा की है 9,500 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स पेनल्टी 1985 साल से ड्यू थी। यूपीए 1 आया, यूपीए 2 आया, उसके पहले भी सरकारें आई। माननीय अमित भाई शाह जिस दिन मंत्री बने एक ही मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दिया, जेआर निकला और 9,500 करोड़ रुपए की टैक्स पेनल्टी माफ कर दी गई। मतलब 35 सालों पुराना इशू 35 मिनट की मीटिंग में पूरा कर सके, हमें अभिमान है ऐसे सहकारिता मंत्रालय माननीय अमित भाई शाह का। पीएम किसान योजना के बारे में तो हर सांसद ने बोला है, यूपीए सरकार में 2008 में कर्ज माफी की थी और उस कर्ज माफी की रकम 60,000 करोड़ थी और उस कर्ज माफी के 60,000 करोड़ के बदले आज तक वो हर भाषण में वही बोलते कि हमने किसानों के लिए कुछ किया है, हमने किसानों के लिए कर्ज माफी की है। तो हमने क्या किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान योजना के माध्यम से 19-20 में 48,000 करोड़, 20-21 में 75,000 करोड़, 21-22 में 65,000 करोड़ और 22-23 में बजट में प्रावधान किया 68,000 करोड़ किसान सम्मान योजना निधि में उन्होंने किसानों को दिया। इसका यानी उसका मतलब जो यूपीए सरकार ने 2008 में 60,000 करोड़ की माफी की उतना अनुदान हम हर साल किसानों को दे रहे हैं, यानी हम किसान को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीए ने किसान को कर्ज निर्भर बनाया। यही सच्चाई है सभापति महोदय। अभी योजना समझने में दिक्कत है, काफी सांसदों को है, आप आरोप लगा सकते हैं। इसलिए एक योजना मेरे हृदय के बहुत करीब है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। काफी कम सांसद जानते हैं इसके बारे में, हमारे विपक्ष के सांसद शायद ट्विटर लाइब्रेरी से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं तो दिक्कत हो सकती है योजना समझने में। इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में की,
और ये ऐसी योजना है सभापति महोदय जिसमें 60 वर्ष के आगे जितने भी नागरिक हैं इस देश में, जितने भी नागरिक, उनको जो जरूरतमंद चीजें हैं उनके उम्र के हिसाब से, कोई चलने के लिए लकड़ी चाहिए, चश्मा चाहिए, कान की मशीन चाहिए, दांत चाहिए, कमोड चेयर चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, ये ऐसे घटक हैं सभापति महोदय जिनको इनके परिवार देखते नहीं है। कोई नौकरी के माध्यम से शहर में गया है, घर में बूढ़े माँ बाप है, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि अगर इनके बच्चे इनको देखते नहीं है तो मैं देश का सुपुत्र नाते मैं इनका ख्याल रखूंगा, और राष्ट्रीय वयोश्री योजना की अमल बजावनी की गई, उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इतना ही नहीं, मैं बताने में मुझे खास अभिमान है और ये शायद साथी सांसद नहीं बता पाए, मेरे पास लिस्ट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इसमें विपक्ष के हर सांसद ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना का कैंप अपने लोकसभा में लिया और वहां पे इन नागरिकों को उसकी सुविधा देने का वो जो प्रावधान है वो किया, लेकिन आज सदन में कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हम ये कर रहे हैं, इस बात का मुझे खेद है। और 2020 में हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 28,000 लाभार्थी और 10 करोड़ का सामान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते उधर वितरित हुआ था। मुझे बताते हुए अभिमान हो रहा है कि पिछले नवंबर 2021 में मैंने अपने अहमदनगर लोकसभा में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना में 40,000 लाभार्थी और 40 करोड़ का सामान हम अगले महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से वितरित करने वाले। कितनी बड़ी योजना, लेकिन योजना के लिए पढ़ना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ टीका करने से तो काम होगा नहीं। अब मैं अगर अपने भाषण में महा विकास अघाड़ी गवर्नमेंट जो अतिशय बहुत अच्छा काम कर रही है उसके बारे में ना बोलूं तो मेरा भाषण पूरा नहीं हो सकता, तो मैं 4-5 मुद्दे जरूर रखूंगा। सभापति महोदय थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महा विकास अघाड़ी सरकार ने आंदोलन किया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पे 10 रुपए कम किए, उस दिन अपेक्षित था कि राज्य सरकार भी उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाए, लेकिन राज्य सरकार ने 1 रुपए भी वैट माफ नहीं किया। उसके बदले में एक बहुत बढ़िया निर्णय हुआ जो देश में शायद किसी राज्य ने नहीं किया, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने किया। हमने भाई पेट्रोल का वैट कम नहीं किया, लेकिन हमने दारू की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। आप जब ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक में घूमते हैं, एक बस में स्लोगन दिखता है सभापति महोदय, नो वाइन नहीं, अल्कोहल, वोडका, विस्की, अभी जो पीते हैं उनको ब्रांड पता रहेगा, मैं तो भाई दूध पीने वाला इंसान हूं, तो बाद में बाहर बता दीजिएगा क्या है। तो रेट कम हो गया। आप जब ट्रैफिक हवलदार देखते हैं तो वहां लिखा रहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन हमारे महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार ने स्लोगन ही बदल दिया, ड्रिंक बट डोंट ड्राइव। हमने दारू सस्ती कर दी, पेट्रोल महंगा रखा है, तो ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव। और अभी तो नई शुरुआत हुई है, ये किसी साथी सांसद ने कहा वाइन इज नॉट लिकर, ये तो नया संशोधन है भाई, अभी पी के देखना पड़ेगा कि भाई उसमें कुछ है भी कि नहीं। लेकिन मेरा यह मानना है कि वाइन अब किराने दुकान पे मिलाने का निर्णय महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार ने किया। इसकी वजह मैं बताता हूं कि क्यों इस तरीके का निर्णय महाविकास अघाड़ी सरकार करती है। भाई दारू सस्ता कर रहे हैं, वाइन को अल्कोहल नहीं बोल रहे, तो वाइन के पीछे जो लेबल लगा है उसमें तो अल्कोहल परसेंटेज लिखा हुआ है, या तो उस कंपनी पे केस कर दो या फिर सरकार पे केस कीजिए। लेकिन ये इस वजह से कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार चाहती है कि हमारे सारे नागरिक महाराष्ट्र में नशे में रहे, जनता नशे में रहे, ताकि जनता इनके किए हुए पाप देख नहीं सकते, इनके किए हुए ट्रांसफर की धांधली नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपको विश्वास से बताता हूं कि इनका सत्ता का नशा ये जनता आने वाले वक्त में उतारेगी और वापस वहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन ग्राम पंचायत, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है और मेरी हर बात जुटलाई जाएगी, लेकिन मैं एविडेंस के साथ बोल सकता हूं, 14th फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलता है ग्राम पंचायतों को, लोकल बॉडीज को विकास करने के लिए, उनके गांवों का विकास करने के लिए। इस पे अधिकार है सरपंच का, ग्राम पंचायत सदस्य का, लेकिन हमारी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक चीज बड़ी खूबसूरत की कि जो 14th फाइनेंस कमीशन का फंड है जिससे ग्राम पंचायत अपना विकास करती है, उसका ब्याज का पैसा अपने पास ले लिया, जिसको उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, इलीगली लिया, और उस ब्याज के पैसे से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से दिया गया था, उस ब्याज के पैसे से एम्बुलेंस खरीद के बाहर फोटो खिंचा रहे हैं।
फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, कल मेरे साथी सांसद ने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं रहा देश में, लेकिन यह बढ़िया कमाल का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है कि आप महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी जी को गाली दे, उनको गुंडा बोले, उनपे कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री जी ने सीएम साहब को कुछ बोल दिया तो उनको अरेस्ट भी कर लिया, उनपे केस भी चल दिया। बहुत बढ़िया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महाराष्ट्र में है। मैं तो जानता हूं आपने गिरेबान पे पहले झांक के देखिए किसी पे आरोप करने से पहले। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये तो भ्रष्टाचार की कुंडली है विद एविडेंस। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में डीबीटी नहीं होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन यह मैं विद प्रूफ बोल सकता हूं और मैं रिकॉर्ड पे हाउसिंग मिनिस्ट्री को भी लिख चुका हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका हिस्सा 50 करोड़ या सेंटर से निकलता है किसी डिस्ट्रिक्ट को, वो जाता है ट्रेजरी में महाराष्ट्र में, उस 50 करोड़ का ट्रेजरी में से 30 करोड़ माड़ा को जाता है और माड़ा उस 30 करोड़ में से 15 करोड़ ही डिस्ट्रिक्ट को देता है। इस पैसे की अफर तफर में यह पैसा कहां यूटिलाइज हो रहा है, ये आज तक केंद्र के हजार बार पूछने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा दो मिनट और कि हमारे विजनरी पीएम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो स्लोगन्स हैं, जैसे हम पहले कहते थे कि बटर यानी अमूल, पानी यानी बिस्लरी, ठंडा यानी कोको कोला, उसी तरीके से उनका दूरदृष्टि और जन सामान्य मानस से कोई कॉन्टैक्ट है, हम उनकी योजनाओं को स्लोगन के रूप में आज आम घर का नागरिक भी जानता है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी आयुष्मान भारत, कनेक्टिविटी यानी डिजिटल इंडिया, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छ भारत और LPG यानी उज्ज्वला, और से बहुत सारे स्लोगन्स है आप इसका बयान कर सकते हैं। आप एक डिज्नी हॉटस्टार पे एक सीरियल है मैम, स्पेशल ऑफ 1.5, टू मिनट्स स्पेशल ऑफ 1.5, एक मिनट चलिए, मैं पैट्रियोटिक होने से वहां देखता हूँ, वहां एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है आखिरी एपिसोड में कि द लेस कॉम्पिटेंट शुड नॉट जज द मोर कॉम्पिटेंट, और यही यहाँ पे हो रहा है मैम। और इसलिए अंत में मैं एक शेयर के माध्यम से अपने स्पीच को पूर्ण विराम दूंगा, जो कि मैं आज इतना कुछ बोल चुका हूं कि मुझको तमीज की सीख देने वाले मैंने तेरे मुंह में कई जुबा देखा है, मुझको तमीज की सीख देने वाले मैंने तेरे मुंह में कई जुबा देखा है, और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का, मैंने कुछ कहने से पहले अपने गिरेवा में जाग के देखा है, अपने गिरेवा में जाग के देखा है। धन्यवाद साहब। या महत्त्वाच्या बातमीसह आपण इथे संपतोय, मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री।